हाय गाइस, अंग्रेज इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। चलिए, क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आपका जो चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ का, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज पैराग्राफ नंबर 13 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दिया है नन्नू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, अर्थात कहना चाह रहा है कि नन्नू काका बहुत देर बाद आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, यानी लगभग स्टेशन परिसर लगभग खाली हो गया था, यानी खाली हो चुका था। द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज, यानी अभी अभी लास्ट टोंगा भी चला गया था तब ये दिखाई पड़े। एस्कॉर्टेड बाई अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, और एक टिकट जो निरीक्षक होता है उसके संरक्षण में थे, अर्थात टिकट निरीक्षक जो था उसके संरक्षण में अभी थे। पैराग्राफ नंबर 14। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। नन्नू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, बता रहे हैं कि थर्ड क्लास में जो थर्ड क्लास का टिकट का जो श्रेणी होता है उसमें टिकट नहीं, मैंने जगह नहीं था, स्थान नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और बिना आरक्षण के वे लोग सेकेंड क्लास का टिकट जारी नहीं किए। नन्नू काका एक्सप्लेन्ड एज ही कम अप टू मी, जब वो मेरे पास आए तो इस बात को व्याख्या किए। हैड टू ट्रेवल, हैड यानी करना पड़ा, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन थर्ड क्लास टिकट, यानी बता रहे हैं कि थर्ड क्लास के टिकट पर उन्हें सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा, तो गैर कानूनी है, इसीलिए वो टिकट संरक्षण माने टिकट इंस्पेक्टर के संरक्षण में थे। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, बता रहे हैं कि वो लेकिन सभी व्यवस्था अच्छी तरह से हो गई। सच अ नाइस यंग मैन, इतना अच्छा आदमी है द टीसी यानी टिकट संरक्षक संग्राहक। यू शो हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, ने देखा किस तरह से वह मेरे साथ बाहर आया। सो डैट ताकि, बाहर आया ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि कोई दिक्कत न हो। किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, हाउ इज इट, यह बिल्ली बेशक मुफ्त में यात्रा की है वह कैसे। वेरी क्विक आई सेड परहैप्स इट इज डेड, बहुत शांति से मैंने कहा शायद वह मर चुकी है। आई थॉट होपफुली, मैंने आशा के साथ सोचा, मैंने विश्वास के साथ मैंने सोचा। पैराग्राफ नंबर 16। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में बैठे। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, और यहां तक अभी मैंने दूसरा गियर बदला भी नहीं था। नन्नू काका आस्क्ड,
नानो काका ने पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी? तुमने मंत्री से मेरे मिलने की व्यवस्था कब की है? कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 डेज 3 एट लास्ट। 2 दिन से अधिक यहाँ नहीं रुक सकता, अधिक से अधिक 3 दिन। और ननु काका ने कहा, देखो मैं 2 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकता, और अधिक से अधिक अगर रुकने की बात हुई तो 3 दिन रुकूंगा। पैराग्राफ नंबर 17। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। यह साफगोई का समय था, यह स्पष्ट रूप से कहने का समय था। लुक अंकल, देखिए मामा जी, या देखिए अंकल। आई सैड, मैंने कहा देखिए मामा जी। आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। मैं मात्र एक उप सचिव हूं प्रशिक्षण पर। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विद मिनिस्टर्स। और यह मेरे स्तर से ऊपर की बात है कि मैं किसी मंत्री से साक्षात्कार करा दूं, यानी मैं आपको किसी मंत्री से भेंट करा दूं। ये मेरे पहुंच के ऊपर की बात है। पैराग्राफ नंबर 18। उफ, ननु काका सैड। ननु काका कहा कि उफ। ननु काका ने कहा, आई हैड रादर होप्ड। आई हैड रादर होप्ड, मैंने आशा की थी। उफ, आई सी, मैं देखता हूं। वेल, अच्छा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नॉफ, उन्होंने एक चुटकी चुंगने लिया। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा एंड सेट बैक, क्लोजिंग हिज आईज एंड पुकरिंग हिज आईब्रो एज दो इन डीप थॉट। बता रहा है कि अपने उंगली को अच्छी तरह से अंगोछा में रगड़ा और पीछे बैठ गए, लुढ़क गए। क्लोजिंग हिज आईज, और अपनी आंखों को बंद कर पुकरिंग हिज आईब्रो, भौंओं को नचाते हुए। एज दो इन डीप थॉट, मानो कि गहरे विचार में खोए हों। ऐसी उनकी परिस्थिति हो गई जब उसने कह दिया कि मैं एक उप सचिव हूं और मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको किसी से मिला दूं। ही अल्सो क्लैप्ड हिज टंग सेवरल टाइम इन अ टाइपिकल डेकनी वे, रजिस्टरिंग पिटी। उन्होंने उन्होंने बिल्कुल दक्षिण के तरह, माने दक्षिण के तरीके से कई बार अपने चुटकियों को, माने अपने टंग को चटकाया, वान को चटकाया। वो भी दया भाव से, रजिस्टरिंग पिटी यानी दया भाव से। ये पैराग्राफ नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं।
मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही थी। हर फेस रेड इन स्माइल्स, उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। सी वेंट इन टू स्क्विल्स फॉर डिलाइट ओवर द किटन, पर बिल्ली देख बहुत खुश हुई। एंड मेड अ लॉट ऑफ फूस ओवर नन्नू काका, और नन्नू काका से बहुत कुछ बातें की। आई ऑल्सो फाउंड दैट, मैंने यह भी पाया कि सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, उसने यानी माँ ने नन्नू काका की व्यवस्था मेरे सोने के यानी मेरे सोने के कक्ष में कर दिया था। सो दैट आई हैड टू पुट अ चरपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, इसलिए मुझे अपने लिए पिछले बरामदे में चरपाई रखना पड़ा। ये था पैराग्राफ नंबर 19। आइए पैराग्राफ नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। एट मदर्स इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस मतलब होता है आग्रह, यानी बता रहा है कि माँ के आग्रह पर, आई हैड टेकन टू डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी। माँ के आग्रह पर मैंने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी, कार्यालय से 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी। कितने दिन की छुट्टी? तो 2 दिनों को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रव नन्नू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैं नन्नू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया। He went in to see the minister. वे मंत्री से मिलने अंदर गए। And I waited in a car park. और मैं कार पार्क में प्रतीक्षा करने लगा। It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swears word. 2 घंटे बाद वे बाहर निकले, कुछ मराठी सौगंध की बातें बड़बड़ा रहे थे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैंने उनसे यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बगैर कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा। He cooled down in little while. वे कुछ देर शांत नीचे बैठे रहे। दो एंड सैड, फिर उन्होंने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 21 के तरफ। टू आवर्स आई स्पेंट, 2 घंटे मैंने बिताया। बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक भेजा जाता रहा। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडर्स, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्तक देता रहा। एंड इन द एंड, और अंत में, सक्सीड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, और अंत में एक डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंचा
समय लेने के लिए 3 days from now, तो आज से 3 दिनों के बाद का समय दिया। Shameful, shameful, शर्म की बात है, शर्म की बात है। And there was another series of Marathi expletives, और फिर दूसरी मराठी भाषा के शब्दों के बौछार शुरू कर दिए। In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother tongue. जब जल्दी में और तेजी में बोलना रहता है, अंकल हमेशा अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। ये था पैराग्राफ नंबर 21 तक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।